हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल MUSC वेट आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ग्राम बालकुआ में हूं, पटेल पोल्ट्री फार्म, और जो इसके संचालक हैं उनसे हम बात करेंगे कि आप ये फार्म कैसे मेंटेन करते हैं और बकरी पालन में क्या क्या सावधानियां रखना है, क्या परेशानियां आती हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं बकरी पालन में सबसे महत्वपूर्ण होता है फीड, उसका खाना क्या खिलाते हैं। मसूर का चारा हो गया, अपना अरहर का चारा हो गया, अपना मटर का चारा हो गया, फिर उसके बाद में अपना चूरी हो गई, दाल चूरी हो गई, गेहूं मक्के का आटा हो गया। इसमें अलग अलग चीजें मिलाकर बकरियों को खिलाने से उसका जो वेट गेंज होता है वो बहुत जल्दी गेंज करता है। जैसे मिनरल हो गया, मिनरल को भी आप हफ्ते में 3 दिन भी खिला सकते हो, महीने में 15 दिन भी खिला सकते हो, इस तरह से इसे खिलाना चाहिए। मिनरल हो गया है, लिवर टॉनिक हो गया है। अब लीवर टॉनिक अलग अलग तरह के अलग कई कंपनियों के आने लग गए आजकल, तो जो आपको उचित लगे करवाते रेगुलर। हाँ, इसमें डीवॉर्मिंग का भी खास करके ध्यान रखना है कि डीवॉर्मिंग हर 3 महीने में होना चाहिए, और बच्चों का विशेष करके ध्यान रखे। बच्चों में भी पशु आहार ये कैसे बनाते हैं? ये पशु आहार हमारा है एक अनुपात, इसमें हाँ, इसमें 1 किलो मक्का है, 1 किलो गेहूं है, चोकोर मिली हुई है ना, चना हो गया है अपना, ये लगभग अपन एक अनुपात एक के हिसाब से तीनों चीजें इसमें मिला देते हैं। 3 प्रकार के चारे हैं, ये 3 प्रकार के चारे अलग अलग समय पे देते हैं। हाँ, एक समय का एक। हाँ, ये इसमें ऐसा है कि अलग अलग जो भूसा है बारीक वाला, जैसे मसूर का हो गया है अपना, मसूर का बारीक है, तो इसे अपन मटर के चारे में मिलाकर इसको दे सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें मिला के देते हैं तो ये क्या है, जो तुअर वाला अरहर वाला चारा ये बड़ा होता है, बकरियां इसको मुंह से बाहर फेंकती है, तो अपने अपने हिसाब से खिलाने के तरीके हैं। वैसे अपने पास हरा चारा भी, हरा चारा कैसे देते हैं? अपने पास हरा चारा भी है, इसमें हरा चारे के लिए अपने पास रिश्का हो गई, CO3 हो गई, इसको खिलाने का समय अलग अलग है। वैसे खिलाया हर मौसम में जा सकता है, लेकिन रिश्का एक ऐसी फसल है जो अपने को जनवरी से लगा करके अपने को बरसात के पूर्व तक अपने को चारा देती रहती है। CO3 एक ऐसी है चारे के लिए जो अपने को कंटिन्यू साल भर हरा चारा उपलब्ध करवाती है। बकरी पालन में क्या सावधानियां रखना चाहिए? बकरी पालन में विशेष करके साफ सफाई, अगर साफ सफाई नहीं रही तो बहुत सारी बीमारियां फार्म पे आ जाएगी। बच्चों में विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है, डीवॉर्मिंग हो गया अपना, डीवॉर्मिंग का भी खासा ध्यान रखना पड़ता है, और फिर उसके बाद में अपना मौसम का बहुत इसमें प्रभाव पड़ता है। हर मौसम के लिए अलग अलग सुविधाएं देना पड़ती है। टेम्परेचर वैक्सीन भी करवाते हैं? वैक्सीनेशन, हाँ वैक्सीनेशन सर अलग अलग तरह के अपने हैं, जैसे PPR हो गया है, ET हो गया है, FMD का हो गया है, तीन वैक्सीन अपन कंप्लीट इसमें करवा लेते हैं। अभी देखते हैं आपके बकरे जो आप खिलाते हैं उसके अनुसार बकरे कितना वेट गेन करते हैं और कैसे हैं हम देखते हैं। जी, ये कितने साल का है? ये लगभग 1.5 साल का है अभी। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है अभी 80,000 रुपए। 80,000, ये ब्रीडिंग पर्पस से है इसलिए इसकी कीमत ज्यादा रहेगी अन्य बकरों की तुलना में। 80 किलो। हाँ, और इसका रिजल्ट देखे जाए सर तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। कितने बच्चे अपने इसके बच्चे में फार्म पर आपको दिखाता हूँ सर, लगभग 8 बच्चे मेरे पास अभी इसके। हाँ, ये उठा ला, इसकी एज है लगभग अभी 1 महीना। 1 महीने का बच्चा है और ये इसका बच्चा है। 12 किलो हो गया अभी, 12 किलो का वजन है इसका, 1 महीने हो गया 12 किलो का। और एक और भी इसका ये बकरा मेरे पास अभी ये है 3.5 महीने, ये इसका 3.5 महीने का, इसका वेट होगा 1500 है, 20 किलो 500, 20 किलो 500 ग्राम है, 3 महीने इनका वजन होता है बिल्कुल। और ये सब वजन ये आपको खाना इस खिलाने से हुआ है? हाँ, बैलेंस डाइट, ये बैलेंस डाइट, इनकी देखभाल, हाँ, समय अनुसार डीवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन जो भी है उसी हिसाब से चारा कब देना है, कौन सा चारा खिलाना है। ठीक है, बहुत अच्छा मैनेज किया आपने। और ये है फीडर जिसमें अलग अलग प्रकार के चारे डाले जाते हैं, और जो जमीन है ये पक्की नहीं है, कच्ची है, घूमने के लिए जगह, तो उससे क्या है कि गंदगी नहीं होती है, और बाहर आउटसाइड भी है खाली जगह,
जहाँ पे बकरियां बाहर अगर घूमना है तो विचरण करके आ जा सके, स्ट्रेस में नहीं रहे। एक पूरा स्टॉल फीडिंग है यहाँ पे, और ये बाहर साइड का है जहाँ पे बकरियां आवश्यकता अनुसार घूम के अंदर चले जाती। धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका भी, थैंक यू।